नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो बड़ी बखूबी आप जानते होंगे कि बल्ले कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप खासतौर से लेदर बॉल से क्रिकेट खेलते हैं तो आपको ये पता होगा बल्ले दो टाइप के होते हैं, कश्मीर बिलो या फिर इंग्लिश बिलो। तो फिर कश्मीर बिलो और इंग्लिश बिलो में डिफरेंस क्या है ये हम आपको बताएंगे। कश्मीर बिलो और इंग्लिश बिलो बनते कैसे हैं ये हमने आपको बकायदा एक वीडियो में दिखाया है और हमारे साथ जो दो लोग मौजूद हैं इन्हीं की फैक्ट्री है, ये बनाते हैं इन बल्लों को, तो ये बताएंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में और साथ ही साथ रेंज में कितना डिफरेंस है वो भी हम आपको बताएंगे। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई असली नकली में फ़र्क कैसे करें अगर आप घर पे बैठ के ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा बल्ला असली है या किसी ने चिपका दिया है। तो हमारे पास पहले ये इंग्लिश बिलो बैट है, हमारे साथ मौजूद हैं शिखर जी जो आपको बताएंगे इंग्लिश बिलो कैसे बनता है, क्या है भाई इंग्लिश बिलो का बैट जो है कैसे बनता है, कहाँ से लकड़ी आती है, क्या होता है? सर, इंग्लिश विलो का ओरिजिन इंग्लैंड से होता है। हाँ। जो कंपनी है जे एस राइट एंड सन्स है। अच्छा। वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करती हैं, मतलब इंग्लैंड से एक्सपोर्ट करती है, इंडिया में इंपोर्ट होती हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इंपोर्ट करती हैं लकड़ी, तो वो उनसे खरीदते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जैसे 5 to 10 crores का एक कंटेनर आता है। हाँ। तो इतनी लकड़ी आती है। हम क्या है, हम इतनी लकड़ ी नहीं खरीद सकते क्योंकि हम पे इतनी सेल्स नहीं है, है ना। हाँ, उसके बाद तो जो है मतलब उस हाँ, तो हम उनसे वाले से महंगी जी आती। जी उस पर एक्सरसाइज ड्यूटी लगती है, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, इसलिए ये लकड़ी महंगी आती है। अच्छा, बाहर से आती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ एक चीज़ है। कश्मीर में 500 रुपये की लकड़ी आती है मान लो, ठीक है। इंग्लैंड में भी लकड़ी 600-700 की चलती है, लेकिन वो चलते चलते ना 1500 की जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उनको पड़ती है, फिर वो भी अपना मार्जिन रख के 1000-2000 रुपये वो हमें पड़ती है, फिर 3000, फिर उस पर टैक्स लग जाता है 3000+ टैक्स। तो करते करते हमारी जैसे 20 का बॉक्स आता है उसमें से 3 बैट खराब निकल जाते हैं। हाँ। तो हमारा फिर एवरेज निकालने के लिए वही बैट 4-4.5 हज़ार का कॉस्टिंग पड़ती है फैक्ट्री में। जो कश्मीर बिलो और इंग्लिश बिलो में ये डिफरेंस है कि पहला कश्मीर तो यहीं पे मिल जाती है लकड़ी, तो दोनों में क्या स्ट्रोक का भी डिफरेंस होता है? सर बिल्कुल, इसकी स्पीशीज का नाम है सेलिक्स एल्बा कैरोलिया, ठीक है। ये जो ये वाली स्पीशीज कश्मीर में उगती है वो कश्मीर बिलो कहते हैं उसे। ये जैसे कश्मीर बिलो बैट है, ये अजय जी जो लिए हैं ये कश्मीर बिलो बैट है, ये कश्मीर से आता है, ये कश्मीर से आता है, लकड़ी से बनता है। हाँ जी। और ये बनता है इंग्लैंड की लकड़ी से इंग्लिश। तो आपने स्पीशीज बताई, स्पीशीज है सेलिक्स एल्बा कैरोलिया, ठीक है। ये जो हम बल्ला खेलते हैं ये सेलिक्स एल्बा का ही होता है, और कोई बल्ला नहीं खेल सकते हम, ठीक है। जो सेलिक्स एल्बा कश्मीर में उगता है जैसे ये वाला, ये हम कश्मीर लोग कहते हैं क्योंकि वहाँ कश्मीर में थोड़ी कम ठंड पड़ती है इंग्लैंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। टेम्परेचर बहुत मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता इंग्लैंड में, है ना। तो इस लकड़ी में उतना मॉइस्चर डेवलप नहीं हो पाता। अच्छा। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा पंच होगा। ओके। तो मतलब है ना, इंग्लिश विलो में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर होता है इसमें, पंच ज़्यादा। हाँ, और जो जे एस राइट हैं वहाँ से जो सप्लाई करते हैं वो कंट्रोल टेम्परेचर में रखते हैं इस लकड़ी को 1.5-2 महीने, उसके बाद हमें सप्लाई करते हैं। कश्मीर विलो में क्या होता है कि हमें डायरेक्टली पेड़ कटा कश्मीरी क्या करते हैं वो हमें डायरेक्ट भेज देते हैं काट के शेप दे के, तो ये कंट्रोल मॉइस्चर में नहीं होती, ये कंट्रोल मॉइस्चर में होती है बेसिकली, इसलिए पंच का अंतर आता है। और रेंज में क्या डिफरेंस होता है, तो किसकी कितने के इसके बल्ले शुरुआत होते हैं कहाँ तक जाते हैं, उसके बल्ले किससे शुरुआत होते हैं कहाँ तक जाते हैं? सर, इसकी जो स्टार्टिंग की लकड़ी है हम पे 2500 रुपये की आती है। उसमें हम बल्ले देखिए जो हम देते हैं होलसेल में 3200 से स्टार्ट करते हैं प्योर इंग्लिश विलो, ठीक है। और सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम बैठ जाता है 12,500 का, जो सबसे महंगी लकड़ी होती है 9-9500 की लकड़ी हमें पड़ती है। तो ये बाहर भी जाते हैं एक्सपोर्ट सर, बाहर जाके सर बाहर जाके देखिए इतना नहीं बेचते, लेकिन चार चार पाँच बैठ के ऑर्डर आते रहते हैं तो वो बाय कुरियर जाते हैं। ओके। हाँ। तो ये डिफरेंस है अजय जी बस कि भाई ये महंगा है, इंग्लैंड से लकड़ी आती है, थोड़ा सा इसकी लकड़ी में मॉइस्चर ज़्यादा होता है इसलिए, बाकी वो कश्मीर है जो जो मिडिल क्लास के लिए जो थोड़ा सा बजट से थोड़ा कम है उनके लिए बेस्ट है, कश्मीरी विलो बेस्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परफॉर्मेंस बढ़िया होती है क्योंकि कश्मीर विलो आपने याद होगा, मैंने आपको एक रिपोर्ट में शायद बताया भी था, मैंने पढ़ा था कि सहवाग, युवराज सिंह, सुनील गावस्कर ये सब कश्मीर विलो के बैट से शुरुआत में खेलते थे, इंग्लिश से भी खेले हैं, है ना। तो बताइए इतने बड़े बड़े लेजेंड जिस कश्मीर विलो के बैट से खेले हो तो फिर वो कमतर कैसे हो सकता है। बस डिफरेंस यही है जो हमने आपको यहाँ पर बताया। अच्छा, कोई अगर देखना चाहे, जैसे आपने ये बल्ला ओरिजिनल बनाया है, मान लीजिए इसका आप ही का देखता हुआ, आप हम मेरठ में मौजूद हैं, मान लीजिए कहीं साउथ में किसी ने इसी तरीके का कॉपी बना लिया किसी और लकड़ी से,
बना लिया, ऐसा बना दिया कि भाई हमने ये मेरठ से मंगाया है, ये 12,000 रुपए का बल्ला है, लेकिन उसने किया क्या खेल। तो लोग पहचाने कैसे कि यार ये इंग्लिश विलो का बैट है कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं। पहली बात तो जो असली खिलाड़ी होता है ना, उसको अंदर से ही फीलिंग आ जाती है बैट देख के, वो ऐसे मारेगा ना उसे जब ही फीलिंग आ जाएगी कि विलो अंतर होता है, चाहे वो कितना ही कोई गलत चीज़ दे ले, जो खेलने वाले होते हैं उन्हें पता लग जाता है। और बेसिकली हम ग्रेन्स देखते हैं इंग्लिश विलो में, थोड़ी साफ ग्रेन्स होती हैं, उठी हुई ग्रेन्स होती हैं, कश्मीर विलो में बारीक बारीक ग्रेन्स होती हैं। मतलब मैं देखिए, हमें तो काम करते बहुत समय हो गया, अगर मैं बैट को ऐसे देखता हूँ धूप में तो इसमें अलग ही शाइन दिखती है, इसमें अलग शाइन दिखती है बिल्कुल, जो हम मैं मैन्युफैक्चर होके बात बता रहा हूँ। तो बस अंतर तो कुछ नहीं होता सर, कश्मीर विलो बैट इंग्लिश विलो बैट दोनों सेम भी हो सकते हैं सर। इसकी मैक्सिमम 1800 पे ख़त्म हो जाती है, 500 से शुरू होती है, 500 हाँ। ये मानिए जो 1800 का कश्मीर विलो बैट है वो 6-7 हज़ार के इंग्लिश से भी अच्छा है। तो ये डिफरेंस है भाई, अब कभी भी आप खरीदने जाएं बैट तो देख लीजिएगा। बाकी मेरठ आएंगे तो ये JS इंडस्ट्री और SH इंडस्ट्री है, यहीं से आप ले सकते हैं बैट, मज़ा आ जाएगा। ये लोग एकदम ओरिजिनल लकड़ी देते हैं, एकदम ओरिजिनल बैट देते हैं। इनके बल्ले हमने जैसे आपको बताया रणजी प्लेयर्स भी यूज़ करते हैं, और फिर स्टिकर्स चेंज कर करके आपको कई कश्मीर विलो इंग्लिश विलो ट्रस्ट का खेल है, मतलब आप उस जगह से लो जहाँ आपको ट्रस्ट है ना, कोई भी गलत आपको दे सकता है। इस टाइम ऐसा लकड़ी आ रही है कश्मीर की, आप पहचान नहीं सकते, आप ही लोग जो भाई काम करता है उसी को पहचान होगी। खरीदिए, SG से खरीदिए, SS से खरीदिए, JS से खरीदिए, SH से खरीदिए, है ना, अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं उनसे खरीदिए, वो कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल, पैसा लगाइए तो सही जगह लगाइए ताकि ट्रस्ट वर्दी हो और आप गच्चा ना खाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, पसंद आएगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।